तो ये देखिए मीटर में आपका 10 से 11 एम ले रहा है ये दो एचपी का पंप है तो आपका 10 से 11 एम आपका ठीक है कोई दिक्कत नहीं है वेलकम टू न्यू ब्लॉग तो फिलहाल अभी हम बाहर के साइड में हैं तो यहाँ पर एक तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि दो एचपी का समर्सेबल पंप है ओपन बेल है तो हमको जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका फोल्ड है तो चलिए आपको भी दिखाते इस ब्लॉग में और आपको भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा तो फिलहाल अभी चलते हैं पार्टी का घर में और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो चलिए के घर में आ चुके हैं तो अभी यहाँ पर पंप लगा हुआ है आपका नदी साइड में वहीं पर है पंप तो पैनल भी वहीं पर है तो हमको वहीं पर जा जा रहे हैं चेक करने के लिए तो यहाँ देखिए पाइप बिछा हुआ है पानी का ये खेत उत में जो पानी होता है उसमें पटाता है मतलब पानी यहाँ पर देता है वो देखिए नदी है और यहाँ पर देखिए ये पैनल का ये पैनल बॉक्स है मतलब छोटा वाला ये बना हुआ पैनल बॉक्स है और यहाँ पर पंप डाला हुआ है ये नदी में पंप डाला हुआ है तो हमको यहाँ पर चेक करना पहले यहाँ पर तीन टो तो जो पंप का तार है वो चेक करेंगे और प्लस इसका कैपेसिटर भी देखेंगे कि इसका पावर सही है कि नहीं तो ये तीन टो तो तार सही लगा हुआ है एकदम कोई दिक्कत नहीं है प्लस इधर देख रहे हैं तो ये आपका कैपेसिटर का भी तार देख ले रहे हैं हम तो ये देखिए कैपेसिटर का तार यहाँ पर खुला हुआ है ये देखिए ये तार टू तो खुला हुआ कैपेसिटर का सिर्फ कैपेसिटर का तार खुला हुआ खुला होने के कारण से नहीं चल रहा होगा शायद तो हमको कैपेसिटर पहले लगाते हैं उसके बाद लगाने के बाद इसको फिर से हम लाइन दे के चेक करेंगे और एम भी चेक करेंगे हम तो चलिए सबसे पहले हम इसका कैपेसिटर का लगाते हैं तो ये लोग मतलब इधर उधर ले जाने के कारण से ये कैपेसिटर का तार तो खुल चुका होगा और ये लोग ध्यान नहीं दिया होगा देखा ही नहीं इसी कारण से ये पंप नहीं चल रहा है तो इसका यही प्रॉब्लम हो रहा था कि पम्प नहीं चलने के का कारण इसका कैपेसिटर का तार खुला हुआ इसी कारण से ये नहीं चल रहा होगा तो एक बार हम पहले कैपेसिटर का तार लगाते हैं ये आपका रनिंग में रेड वायर में लगेगा तो इसमें लगाते हैं और उसको लगाने के बाद हम लाइन दे के चेक करेंगे और इसका एम भी चेक करेंगे कितना एमपेयर ले रहा है ये दो, दो एच का पंप है तो कम से कम ये आपका दस से पंद्रह एमपेयर का लगभग के बीच में लेना चाहिए तो हम देखते हैं इसका एमपेयर कितना ले रहा है एमपेयर अगर ज़्यादा लेगा तो शायद मोटर वोटर शॉर्ट हो सकता है तो चलिए हम इसका कैपेसिटर का तार तार पहले लगा इसको लगाते हैं इसका कनेक्टर भी सड़ चुका है हमने कनेक्टर सही से देखिए पानी में मतलब ये हो गया जंख लग गया है तो इसी कारण से ये आपका हो रहा था क्या कैपेसिटर का तार खुल गया है टाइट नहीं होगा सही से इसलिए खुलिए तो हम इसका साइड बाहर का साइड से ही कैपेसिटी को बढ़िया टाइट कर दिए हैं अब फिर इसका लाइन देकर हम चेक करेंगे हम तो यहाँ देखिए मीटर हम ले लेके ले कर आ गए हैं तो मीटर का तार हम लगाएंगे और चेक करेंगे तो ये सब तार ठीक है ओके है एक जगह भी कोई तार निकला हुआ नहीं है तो हम चलिए मीटर का मीटर को हम एम्पेयर में सेट करते हैं हम और ये जो लाइन का तार है उसमें हम लगा देते हैं ये देखिए ये न्यूट्रल फेस तो कोई भी एक तार में लगाने लगाने से हमको मालूम चल जाएगा इसका एमपेयर कितना ले रहा है तो चलिए अब इसका लाइन देख के चेक करेंगे हम और ये मीटर हम यहाँ पर रख दिए हैं और हम चेक करते हैं इसका कितना एमपेयर ले रहा है तो हम लाइन दे चुके हैं ये देखिए दस ग्यारह ये आपका दस ग्यारह एम ले रहा है तो अभी फिलहाल यहाँ अभी दस दस से ग्यारह एम ले रहा है दो का पंप है तो ये चालू हो गया था कि इसका कि सिर्फ कैपेसिटर का तार छूटा हुआ था और कुछ नहीं था तो चालू हो गया चलिए आपको पानी का प्रेशर भी दिखाते हैं आपको किस तरह है। और ये नदी में ही पंप लगा हुआ है तो चलिए अब चलते हैं हम यहां मेरा मीटर का भी प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पर देख रहे धूप के कारण से थोड़ा काला काला हो गया है यह दस से ग्यारह इम लग ले रहा है ये देखिए पानी का देखिए किस तरह इसका जहाँ जहाँ लीकेज है वहाँ पर देखिए किस तरह प्रेशर है